और आकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा बातचीत ले। आकाश, हत्यारे अभी पुलिस की गिरफ्त में है या फिर अभी भी फरार चल रहे हैं? फुटेज में उनकी कुछ पहचान के लिए दोनों के जो कहा जाए ऑरेंज कलर के कुर्ते दोनों पहने हुए हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद की जो अपनी परिधान है तो वो पहने हुए नजर आए हैं। अब उनकी कई टीमें जो एसएसपी लखनऊ है उन्होंने जो है गठित की इसके लिए, अब कि जल्द से जल्द इस पूरी घटनाक्रम का जो है खुलासा किया जा सके। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये वही कमलेश तिवारी है जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी में जो है एक बयान पे एनएसए तक लगाया गया था, और इस बार भी जिस बीजेपी की सरकार चल रही है और एक घने इलाके में कुर्शेदवादी इलाके में इस तरह हिंदू नेता की जिस तरह हत्या की गई है, ये बीजेपी सरकार के लिए चैलेंज है और लखनऊ पुलिस के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज है। जी आकाश, साथ ही सवाल ये खड़ा होता है कि कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। देखिए, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो लखनऊ की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि पूरे प्रदेश में कई जगह पे अपराध हुए हैं, वहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो वहाँ की स्थिति थोड़ी बहुत फिर भी सही है, लेकिन लखनऊ में आए दिन बड़ी घटनाएं घटती रह रही हैं, हत्याएं होती हो रही जा रही हैं, और उसके बावजूद भी एसएसपी लखनऊ के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, और यही दर्शाता है कि जो हत्या के पीछे के कारण क्या रहे। आकाश, साफ हो पाई है स्थिति कि हत्या के पीछे के कारण क्या रहे? देखिए, हत्या की बात में अगर की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही इनको सोशल मीडिया साइट पे जो है धमकी मिली थी जो है, और उसकी इन्होंने शिकायत भी दर्ज की थी, तो पुलिस भी जो छानबीन करेगी वो भी जो सोशल साइट नेटवर्क और फेसबुक के माध्यम से करेगी, और कई पहलुओं पे इसकी जांच की जाएगी, और कई जो मोबाइल सर्विलांसेस है उसको अभी जो है सहारा लेगी, और इसको जल्द से जल्द खोलने की जो है बकायदे टीमें गठित की गई है, और ऊपर के अधिकारी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, अधिकारी इस पर नजर बनाए हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आपकी आपको लोगों की? देखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था फिर बताता हूँ कि कुर्शेद बाग जो कॉलोनी है ये एक बहुत घनी बस्ती है, और एक घने इलाके में इस तरीके की घटना हो जाना मतलब ये दिखाता है कि अपराधी कितने निरंकुश हो चुके हैं, कल को ये घटना किसी के साथ भी इस तरीके की घट सकती है। यही सारी चीजों को लेकर के और एक हिंदुत्ववादी नेता का इस तरीके से चला जाना, उसकी हत्या कर देना, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है, और लोगों में जो साफ तौर पर जिस तरीके की भाजपा की सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर के जो आस्थाएं थी वो आस्थाएं किस तरीके से सामने आ रही है वो सारी चीजें उनको दिख रही है, तो वही आक्रोश सामने उनका दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, इस तमाम जानकारी के।